उसके पास पहुँच कर दिल से कह दो, मेरे शंकर के पास पहुँच कर एक बार दिल से कह दो, बाबा जगत से हार गया मैं, बहुत कष्ट है जीवन में, पर दुख बहुत है, पर सुख एक है कि मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है। बस ये दिल से कह दो, मैंने शिव कथा में सुना है कि तू मेरे साथ है। दुख दुनिया भर का क्या ना करेगा। एक पत्र में लिखा है किसी बहन ने, मैं अपने पति के साथ उज्जैन महाकाल का दर्शन करने गई थी, मैं परमेश्वरी त्रिवेदी रायपुर छत्तीसगढ़ से कहीं बैठी हैं, आप ही हैं, दोनों हाथ हिला दीजिए एक बार, हर हर महादेव। आपने पत्र में लिखा है बहन, गुरुजी शिव महापुराण का असर क्या होता है और शंकर की भक्ति क्या होती है, इस पत्र में लिखती हूँ मैं। गुरुदेव, मैं अपने पति के साथ देवाधिदेव महादेव का दर्शन करने उज्जैनी महाकाल गई और महाकाल बाबा के दर्शन करे मैंने, बड़े भाव से दर्शन करे गुरुजी, बहुत आनंद आया क्योंकि शिव पुराण सुनने के बाद पहली बार ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने गई थी और बाबा देवाधिदेव महादेव का दर्शन कर कर मैं वापिस लौट रही थी। गाड़ी से जब मैं बाहर गाड़ी में बैठी और थोड़ी देर के बाद जब मैं गाड़ी से बाहर उतरी किसी कार्य के लिए, कुछ खाने के लिए, तो मेरे बैग में पैसे नहीं थे, मेरे 25,000 रुपये कहीं चले गए थे, गिर गए थे। वैसे भी कोई तीर्थ करने जाता है तो थोड़ा तो पैसा ज़्यादा लेकर जाता है, 25,000 रुपये मेरे उज्जैनी महाकाल की उस धरा पर गिर गए। गुरुदेव, मेरे पति मुझसे कहते हैं तूने शिव महापुराण की कथा में सुना है ना कि बाबा पर विश्वास रख, वो थोड़ा लेता है और बहुत ज़्यादा देता है, तूने सुना है ना, एक बार तू ही कह रही थी मुझसे, इस पत्र में लिखा है कि तू मुझसे कह रही थी कि बाबा पर भरोसा रख और तेरे 25,000 गिरे हैं जिसने बाबा पर भरोसा करा, और तुझे अगर विश्वास है शिव पुराण पर तो 25,000 नहीं 50,000 बाबा देगा। और गुरुजी, हम चाय पीकर होटल से आगे बढ़े थे, एक लेडीज दौड़ कर आकर कहती है ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं, ये लो। ये पत्र है जो बहन ने लिखा, बैठिए बहन जी, हर हर महादेव, ये 50,000 रुपये तुम्हारे हैं। उसके पति कहते हैं हमारे 50,000 रुपये नहीं हैं। बहन ने भी कहा हमारे 50,000 रुपये नहीं है, नहीं, उसने कहा मुझे दान करना है, तो इन्होंने बोला कि मंदिर में दे दो, देवालय में दे दो, महाकाल बाबा के वहाँ पर मंदिर में जमा कर दो। तो उसने कहा नहीं, मैं तो मंदिर से तो आई हूँ और वहीं से किसी ने कहा है कि उसके 50,000 रुपये हैं, देकर आइए, और ये 50,000 रुपये दिए। अब दुनिया के लोगों को क्या प्रमाण दें, अभी आँख के अंधे को कौन बताए कि सूरज यही है, कौन कहे। एक बार आजा शिव की शरण में, भगवान देव अधिदेव कालों का काल महाकाल जहां बैठा है, शंकर की शरण में जाओगे, मंदिर में जाओगे, शंकर के दरवाजे पर जाओगे, खाली नहीं भेजेगा। आप ये मत सोचना कि कुछ गिर गया तुम्हारा, कुछ चले गया तुम्हारा, कुछ रह गया तुम्हारा, वो रह थोड़ा सा जाता है, पर घर जाते जाते, घर में पहुंचते पहुंचते कितना दे देगा ये उसको मालूम पड़ेगा, उसको मालूम पड़ेगा। कल कथा में कहा था ये माँ कामाख्या सेवा समिति कथा करवा रही है, जितना खर्चा आप ये टेंट डूम पंडाल बैठक प्रसाद जिसमें खर्च कर रहे हो एक डायरी में लिख के रखना, समिति से निवेदन है अगले साल की ये तारीख मिला लेना और जिसने जितना दिया उसका अंदाजा लगा लेना कि डबल चुवल पंचल हुआ कि नहीं हुआ, बढ़कर मिला कि नहीं मिला, वो अंदाजा लगा कर रखना, डायरी जरूर लिखना। और ये बात हम एक कथा में नहीं कहते, सब जगह कथा में कहते हैं, जजमान खर्च करे तो लिख ले कि कितना खर्चा करा है शिव महापुराण पर, कितना लगाया है शिव महापुराण पर, उतना लिख कर रखना और अगले साल बात करना उस तारीख में। यहाँ पर कई जजमान बैठे हैं, एक अग्रवाल परिवार ने कथा कराई थी सीहोर आकर, एक कथा भिलाई की और अग्रवाल परिवार ने कराई थी, इन दोनों से पूछा जाए तो अग्रवाल परिवार जिनके फ्लैट में हम ठहरे हुए हैं उनके मुख से शब्द एक ही निकला, गुरुजी जब से कथा करवा कर कुबेरेश्वर धाम से आया हूँ बाबा की ऐसी कृपा हो गई कि दूसरी की तैयारी हो गई, ये शिव है। ओम नमः।
नमः शिवाय। दोस्तों हर हर महादेव, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अब पंडित प्रदीप मिश्रा जी के मुख से अच्छी उपाय के बारे में जानिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य करें। इसी तरह बताए गए शिव महापुराण कथा के अंतर्गत उपायों के जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। महादेव आपकी सारी मनोकामना पूरी करें। इसी के साथ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। घर घर महादेव।